हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक आपको स्कीमेटिक डायग्राम की नॉलेज देने के लिए। एक्चुअली कल मैंने जो बताया था आपको ग्राफिक सेक्शन के बारे में बताया था, तो ग्राफिक सेक्शन कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो यहाँ ग्राफिक सेक्शन की रिक्वायरमेंट अगर आपकी हो जाती है तो इसके बाद हमारा क्या आता है, अगर ग्राफिक आपकी बन जाती है, फर्स्ट पहला जो पार्ट है, पार्ट वन अगर हम बोलेंगे इसको, यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे पार्ट वन, यहाँ पे अगर मैं करूँगा पार्ट वन, पार्ट वन कर देता हूँ इसको मैं। पार्ट वन में हमारा जो ग्राफिक लाइट सेक्शन जो है उसमें ग्राफिक, फर्स्ट हमें ग्राफिक सेक्शन की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमें, सेकेंड ऑप्शन हमारा जो, अगर हमारा ग्राफिक बन जाता है तो ये हमारा आ गया पार्ट टू, आ गया टू। अगर हमारा पार्ट वन ओके है, ग्राफिक बन जाता है, उसके बाद हमारा आता है लाइट सेक्शन। लाइट सेक्शन देखिए फ्रेंड्स, लाइट सेक्शन बहुत इजी है। लाइट सेक्शन को अगर आप पढ़िएगा तो बहुत ही इजी है लाइट सेक्शन हमारा, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो। लाइट सेक्शन तो इसमें आता क्या क्या है, तो हम पहले हार्डवेयर में देखेंगे फिर हम स्कीमेटिक में देखेंगे, ठीक है। तो हम लाइट सेक्शन हमारे ये आ गया। तो देखिए PMI 632 में लाइट सेक्शन के लिए जगह नहीं दी गई, इसके लिए इसमें यहाँ सप्लाई दी गई है, और इस सप्लाई से IC को ऑपरेटिंग करके हमारी लाइट को जनरेट किया गया हाई बूस्ट करने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ हमारे जो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर पे हम आते हैं, हमें अगर लाइट ग्राफिक दोनों में से कुछ भी चीज़ अगर हमें चेक करना है, ग्राफिक की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई है, ग्राफिक आपका बन रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा है, तो लाइट का प्रॉब्लम सॉल्व करने में 2 से 5 मिनट लगता है, सो ज़्यादा लगना नहीं चाहिए अगर आपको बेस पता है तो। बेस का मतलब आपको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ हम डिस्प्ले कनेक्ट को थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ हम देखेंगे इसमें चार ही लाइन ऐसी है जो कि हमारा लाइट सेक्शन के लिए जिम्मेदार है। अगर ये चार लाइन पे हमें कूल टेस्टिंग मिलती है, कूल टेस्टिंग मतलब रीडिंग ओके, सबसे पहले हमें कूल टेस्ट करना है, यहाँ पे वन नंबर पॉइंट हमारा आता है कूल टेस्ट, कूल टेस्टिंग GR जो कुछ भी बोल सकते हैं आप, GR, क्योंकि GR मतलब ग्राउंड से रीडिंग अगर हमें चेक करनी है। यहाँ पे ग्राउंड से रीडिंग का मतलब ये है कि आपको यहाँ से कॉन्टिन्यूटी या फिर आपको कनेक्शन चेक करना होता है कि कनेक्शन यहाँ पे रीडिंग हमारा है कि नहीं, अगर रीडिंग है तो ठीक माना जाता है, और रीडिंग अगर कम है या ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग भी हम फॉल्ट को फाइन कर सकते हैं। अगर रीडिंग नहीं है तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइन हमारी ओपन हो चुकी है, ओपन सर्किट है। अगर लाइन में शॉर्टिंग है तो भी हम समझते हैं कि कोई सामने वाला, आगे वाला, पिछले वाला पार्ट कोई हमारा शॉर्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए चार लाइन है, इस चार लाइनों की वजह से ही हमारे लाइट में दिक्कत आ सकती है। पहले ग्राफिक सेक्शन हमें चेक करना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट दो नंबर में लिखवा देता हूँ, लाइट रिक्वायरमेंट पिन, तो यहां पे क्या चेक आपको चेक करना है, हॉट टेस्टिंग करनी है, हॉट टेस्ट। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, तो ये कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग दोनों कंपलसरी है, इससे क्या आपको काम करने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, हॉट टेस्टिंग। तो आपने रीडिंग चेक कर ली, GR चेक कर लिया, उसके बाद तीन नंबर पॉइंट आता है हॉट टेस्टिंग करने के बाद, अब या तो आपको सप्लाई मिलेगी ओके, कूल टेस्टिंग के रीडिंग से पता चल जाएगा आपको फॉल्ट कहाँ पर है, इन सब की सब लाइनों में आपको रीडिंग मिलेगी ओके। और उसके बाद अगर आपकी रीडिंग ओके फिर भी लाइट नहीं जलती है, तो इस कंडीशन में भी जो हमारा पहला जो फोन मतलब पहला जो फॉल्ट होता है, तो पहला मैंने यहाँ पे जो इससे पहले जो बताया था ये वाला जो चीज़ें, फुल वर्किंग फोन ऑन होना चाहिए, उसके बाद डिस्प्ले ग्राफिक
नो लाइट, फोन ऑन होना चाहिए, डिस्प्ले है अभी इसमें तो फोन ऑन है, आपको दिखाई दे रहा है डिस्प्ले ग्राफिक, इसका मतलब फोन ऑन ही होगा। अगर ग्राफिक आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब फोन हमारा ऑन ही होगा। तो अब उस कंडीशन में हमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो बनता है पहला हमारा, वो हमारा बनता है एलसीडी चेंज करके चेक करना, एलसीडी चेंज, देन कूल टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पे क्या है, लाइट सेक्शन आपका वर्क नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये कि ग्राफिक सेक्शन ओके है, फोन फुली ओके है। उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें एलसीडी चेंज करके देखना, क्योंकि एलसीडी खराब होने की वजह से भी लाइट हमारी नहीं जल सकती है। अब अपने एलसीडी चेंज करके देख लिए, उसके बाद आपकी ये सिचुएशन बनती है, आपको कूल टेस्टिंग करनी है, हॉट टेस्टिंग और जीआर आपको लेना है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आपको जीआर लेना है, और उसके बाद जीआर के बाद आपको हॉट टेस्टिंग करनी है, लाइट की जो रिक्वायरमेंट की जो बॉल है, जो हमारी चार ये लॉग मतलब पिन है हमारी, यहाँ पे क्या लाइन है देखते हैं हम। यहाँ पे हमारी चार लाइन है, यहाँ पे हमारी जो देखेंगे, पहला है हमारा एलसीडी बैक लाइट एलईडी ए एनोड, एनोड की पिन पे जो हमारी जो सप्लाई आती है, जो कि हमारी 20 वोल्ट तक होती है, 18 वोल्ट से 30 वोल्ट तक मिलती है यहाँ पे। अब हमारे सर्किट के अकॉर्डिंग वहाँ पे वोल्टेज कितनी मिलती है वो हमें चेक करके हम पता चलेगा कौन सी IC यहाँ पे यूज़ की गई है। और फिर हमारे जो दो पॉइंट यहाँ पर आते हैं, देखिए आप देखिएगा तो मैं जूम थोड़ा कर देता हूँ। तो LCD बैक लाइट LED K1 कैथोड 1 मतलब माइनस के लिए, LCD बैक लाइट LED K2, एक्चुअली सिस्टम इस तरह से यहाँ पे पैरेलल में दो LED की लाइनें होती हैं। तो यहाँ पे क्या क्या होता है, वोल्टेज 20 वोल्टेज को कांस्टेंट दिया जाता है, और हमारे जो माइनस की जो दो लाइन है जो कैथोड की, उसको अप डाउन करके लाइट को जलाया जाता है ताकि हमारा बैकअप अच्छा रहे और डिस्प्ले हीटिंग ना हो। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे K1 K2 मतलब दो लाइन को नेगेटिव किया गया, नेगेटिव यहाँ पे कटआउट किया जाता है। और यहाँ पे जो हमारा WLED EN, ये तो हमारी IC से आ रहा है, पावर IC से दिखा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारी जो डिस्प्ले कनेक्टर पे जो हमें चेक करना है वो LCD बैकलाइट LCD CABC, LCD कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल लाइन है ये वाली। ओके, इस लाइन से हमारा बैकलाइट का जो कंट्रोल जो सिस्टम है, कैथोड एनोड बैकलाइट मतलब आपको बोल सकते हैं, कैथोड मतलब आपका हो गया जो माइनस है, ए मतलब एनोड, बैकलाइट बैकलाइट जो जलती है, और कंट्रोल को समझते हैं यहाँ अच्छी तरह से। तो ये लाइन, ये चारों लाइन की रिक्वायरमेंट हमें चेक करनी, ये एक ये जो चारों लाइन है हमारी IC से आ रही है, ठीक है। तो IC के ऊपर अगर हम जाते हैं तो IC के सेक्शन में यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ IC ये हमारी D8 IC है, यहाँ पे D8 IC का यूज किया गया है, जो कि हमारी 12 वोल्ट की IC है, 12 वोल्ट की IC है। ये 12 वोल्ट की IC हम दूसरे फोन से भी लगा सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी ठीक होनी चाहिए, नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें जो काम करना है वो IC बेस पे करना है। तो मैं आपको IC बेस पे ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर जितने बॉल की भी यहाँ पे IC लगी हुई है, उतने बॉल की IC अगर किसी हमारे फोन में लगी हुई है, अभी क्या होता है बहुत से फोन में देखा है कि हमारा जो नंबर जो है कि मतलब ऐसा होता है जो मार्केट में उसकी IC अवेलेबल ही नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें दुविधा होती है कि हमें कौन सी IC लगाएं इसमें। तो हमें डेटा शीट को मैच करना आना चाहिए, डेटा शीट को मैच करने का मतलब ये है कि ये IC में जो इनपुट है वो दूसरी IC में भी वही इनपुट और आउटपुट और इनेबल सिग्नल डेटा क्लॉक एक ही होने चाहिए, तब यहाँ पर वो IC को अगर हम लगाते हैं तो हमारी IC वर्क करेगी और काम वही करेगी। तो इस IC की रिक्वायरमेंट को देखने के लिए हम देखिए इसमें इस IC में क्या है जो रिक्वायरमेंट है इसकी। आप सपोज समझ लीजिए आपकी लाइन कूल टेस्टिंग में ओके है, लेकिन हॉट टेस्टिंग में आपकी वर्किंग नहीं हो रही है। हॉट टेस्टिंग मतलब आपका बूस्ट नहीं बन रहा है। इसके रीजन तीन हो सकते हैं, तीन या चार ही रीजन हो सकते हैं जो डिस्प्ले कनेक्टर पे नहीं आ रहे हैं। कूल टेस्टिंग में तो ठीक है। अब यहाँ पर हम डायग्राम पे आते हैं, तो डायग्राम में हम लेआउट से देखेंगे हमारी जो लाइट IC है वो हमारी यहाँ पर है, लाइट IC हमारी ये वाली है शायद, हाँ यही तो है ना, नहीं ये नहीं है, यहाँ पे
ये हमारी बूस्ट कॉयल है जो कि L1800 है, तो इसी को हम सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा हमारा लाइट सेक्शन कहाँ पे है। कॉपी कर लें यहाँ से और डायग्राम में हम पेस्ट करेंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे यहाँ से। और नेक्स्ट जब करते हैं तो हमें आ जाते हैं हमारे लाइट, ये देखिए देख सकते हैं LCD बैकलाइट कंट्रोलर जो है हमारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हमारा IC है, तो ये IC हमारे टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है, एक्चुअली बॉल के हिसाब से यहाँ पे नहीं बना हुआ है। अगर ये बना देते डायग्राम वाले तो काफ़ी अच्छा होता, इतना भंगचंग करने का कोई ज़रूरत नहीं था यहाँ पे, क्योंकि IC छोटी है और इसको हम बॉल बना के भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इन्होंने इस तरह से यहाँ पे दिखाया जो भी हो, लेकिन चलो हम इसी की तरह से पढ़ेंगे। अगर इसे में बनाना है तो हमें इसके बॉल बना के इसके अकॉर्डिंग हमें डायग्राम को बनाना पड़ता है, वो मैं हम लोग क्लास में दिखाते हैं किस तरह से डायग्राम को बनाना है। वैसे यहाँ पे पॉसिबल इतना नहीं क्योंकि माउस से हमें बॉल बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इस तरह से मैं यही बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो इसको ये हमारी 12 पिन की जो IC है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो हमारी चेकिंग का जो पॉइंट होता है, सपोज समझ लिया आपका बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है, LCD बैकलाइट LED को आप देखेंगे यहाँ हमारा बूस्ट बनना चाहिए, और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज 0.2 से 0.30 इस तरह से वोल्टेज यहाँ पे बनता है, मतलब 0.3 0.2 यहाँ वोल्टेज जनरेट होता है IC वर्किंग कंडीशन में। ऑन कंडीशन में यहाँ बूस्ट बनना चाहिए, डिस्प्ले लगा होना चाहिए, क्योंकि LCD का जो आपका कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल की जो लाइन है वो आप देखिएगा तो हमारे इस IC से आ रही है, ये देखिए। और ये वाला पिन PWM वाला, ये भी हमारा जो पावर विथ मॉडल जो है, ये हमारा जो है NC रखा गया है यहाँ पे। और ये बैकलाइट IC का जो कंट्रोलर है, ये हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से लाइन आ रही है डायरेक्ट, तो मतलब ये डिस्प्ले को डिटेक्ट हो रही है ये लाइन, तभी हमारा जो हमारा बूस्ट जो बनेगा। अगर डिस्प्ले हमारा नहीं लगा हुआ तो ये सर्किट हमारा काम नहीं करेगा। तो डिस्प्ले लगा हुआ कंडीशन में यहाँ इन दोनों पॉइंट पे LCD बैकलाइट LED में K1 और K2 पे हमारी जो वोल्टेज आनी चाहिए वो हमारी कितनी आनी चाहिए, वोल्टेज अगर हम चेक करेंगे यहाँ से, पहले हमारी एनोड पे, मतलब हमारी अगर पकड़ेंगे ए पे अगर लिखते हैं, तो यहाँ हमारी 20 वोल्टेज, मैंने यहाँ पे एक्चुअली 20 नहीं लिखता, वहाँ पे LCD बैकलाइट लिख देता हूँ, पे LCD बैकलाइट यहाँ पे लिख देता हूँ, LCD बैकलाइट सॉरी बैकलाइट पूरा लिख देता हूँ, शायद समझ में नहीं आएगा, बैकलाइट की जो वोल्टेज होगी 18 to 30 वोल्ट तक मिलती है। एक्चुअली यहाँ पे सब हमारे जो सर्किट के अकॉर्डिंग कितनी मिलेगी कोई ठीक नहीं मैं बता नहीं सकता, लेकिन 18 to 20 के अंदर, 18 to 30 के अंदर हमें वोल्टेज यहाँ मिलती है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। और दूसरा टेस्ट पॉइंट हमारा जो क्या होता है यहाँ पे, मैं एक्चुअली वोल्टेज सॉरी वोल्टेज इस तरह से लिखता हूँ, और उसके बाद ये हमारी जो बूस्ट वोल्टेज है ये मिलनी चाहिए। बहुत सारे देखेगा मैं बताऊंगा बाद में उसमें। और फोर्थ नंबर जो हमारा टेस्ट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, जो हमारा K1 मतलब कैथोड 1 और एंड कैथेड 2, K2 यहाँ जो हमारी वोल्टेज मिलेगी 0.200 to 0.300 तक यहाँ पे मैंने देखी है बात, हो सकती है इससे कम ज़्यादा, 0.500 तक भी हो सकती है, लेकिन पॉइंट में होगी यहाँ वोल्टेज, मिली वोल्ट में सॉरी MV लिख देता हूँ यहाँ पे, मिली वोल्ट नहीं वोल्टेज ही लिखेंगे क्योंकि एक्चुअली मिली वोल्ट में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एक्चुअली 0.2 वोल्टेज यहाँ मिलेगी ऑलरेडी मिली वोल्ट में, एक्चुअली ये पता ही चल रहा है कि मिली वोल्ट में क्योंकि 0 लगा हुआ है। तो कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे हमारी, यहाँ पे कंडीशंस क्या आती है, हमें यहाँ पे बूस्ट मिलना चाहिए, ये कंपलसरी मिलना चाहिए, और ये हमारी जो LCD CABC जो लाइन है हमारी, CABC यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, तो ये है हमारी कैथोड कैथोड एनोड बैकलाइट कंट्रोल 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 लाइन वाली, ओके। और इसको थोड़ा सा हम करेंगे, इसकी जो फुल फॉर्म अगर हम थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगी। यहाँ पे 6 नंबर पे हमारी जो है
ये लाइन जो है हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से डिस्प्ले को कनेक्ट कर, डिस्प्ले को डिटेक्ट कर ये लाइन एक्चुअली, उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्राइटनेस जो हमारा कंट्रोल जो होता है, जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा जो होता है उस वजह से होता है, इससे इस लाइन से के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है डिस्प्ले की। और यदि कंडीशन क्या होगी, या तो हमारा बूस्ट नहीं बनेगा, सबसे पहली चीज जो बूस्ट नहीं बनेगा, बूस्ट नहीं बनेगा तो क्या करना है, बूस्ट बनेगा तो क्या चेक करना है, इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। हमने कुल टेस्टिंग में लाइनों को ओके पाया, यहाँ पे हमारी ओके आ रही लाइन, तो हमें अभी कनेक्शन से रिलेटेड हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्शन से रिलेटेड ये है कि यहाँ कनेक्शन कैसे ओके माना जाएगा, ये एलसीडी जो हमारी जो ए की जो पिन है, एनोड की, जो यहाँ पे एनोड लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैं जो हमारा एनोड का जो बॉल है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, ये एनोड, ठीक है, ए लिखा हुआ यहाँ पे, मैंने के वन लिखा हुआ यहाँ पे, ए एलसीडी बैकलाइट 18-20 वोल्ट। यहाँ पे हमें सबसे पहली जो चीज़ चेक करनी है हॉट टेस्टिंग में, हम अगर कूल टेस्टिंग करते उसके बाद हमें यहाँ सबसे पहले चेक करनी पड़ती है बैटरी लगाने के बाद, यहाँ पे 4.0 बैटरी जितनी सप्लाई मिलेगी यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हमारी बैटरी अगर फुल चार्ज होती है तो 4.2 वोल्टेज तक यहाँ मिलनी चाहिए बिना ऑन, विदाउट ऑन, विदाउट ऑन यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्चुअली यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, विदाउट, सॉरी विदाउट फोन ऑन कंडीशन, ओके विदाउट फोन ऑन, ये मैं ब्रैकेट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एलसीडी चेंज करके देखनी है, लाइट नहीं जल रही है हमारी, लाइट की रिक्वायरमेंट पिन को हमें हॉट टेस्टिंग करना है, कूल टेस्टिंग करना है, हॉट टेस्टिंग करना है, और एक पॉइंट आता है हमारा वोल्टेज, हमें हॉट टेस्टिंग मतलब बोल सकते हैं इसको ऑन कंडीशन में, फोन ऑफ कंडीशन में, विदाउट फोन ऑन मतलब ऑफ कंडीशन में आपको चेक करना है बैटरी लगा के, बैटरी लगा के आपको यहाँ पे तुरंत 4.2 वोल्टेज मिलनी चाहिए, मतलब इसका मतलब ये 4.2 ही नहीं, बैटरी में आपको जितनी सप्लाई है उतनी वोल्टेज हमारे एनोड पिन पे मिलनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ओके। उसके बाद आता है हमारा ये बूस्टिंग सर्किट पे हम आ जाते हैं कि बूस्ट फिर भी हमारा 4.2 वोल्टेज में मिल रहा है, 4.2 वोल्टेज नहीं मिलता है तो वो तो कूल टेस्टिंग वैसे ही पता लग जाएगा, ठीक है, और कूल टेस्टिंग में अगर पता नहीं चलता है तो हम बैटरी लगा के अगर हम चेक करेंगे तो 4.2 वोल्टेज है बैटरी, तो 4.2 वोल्टेज ही मिलनी चाहिए या 4 वोल्ट मिलनी चाहिए, अगर नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं लीकेज कंडीशन है फोन के अंदर, ओके। तो हम आ जाते हैं अभी, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस आईसी की रिक्वायरमेंट में क्या है, और हमें यहाँ पे भी कूल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, पहले हमें पिन पे कूल टेस्टिंग करना है, कंपोनेंट कूल टेस्टिंग, लाइट सेक्शन कूल टेस्टिंग, इसके बाद लाइट सेक्शन, सॉरी मैं गलत लिख दे रहा हूँ, तो पहले ही जो कूल टेस्टिंग की जो चीज़ मैंने लिखी है तो कूल टेस्टिंग ही टोटल चेक करनी है, कूल टेस्टिंग में ऑल कंपोनेंट भी लिख देता हूँ, लाइट सेक्शन यहाँ पे ऐसे लाइट सेक्शन लिखा हुआ है, लाइट सेक्शन ऑल कंपोनेंट, लाइट सेक्शन ऑल कंपोनेंट, कंपोनेंट्स, ओके। तो यहाँ पे जो थोड़ा बड़ा हो गया लगता है क्या, नहीं ठीक है, तो यहाँ पे एलसीडी चेंज देन कूल टेस्टिंग जीआर लाइट सेक्शन ऑल कंपोनेंट कूल ऑल कंपोनेंट मतलब कूल टेस्टिंग करनी है यहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है, ओके। और कूल टेस्टिंग के अंदर अगर हम समझेंगे इसको तो यहाँ आप देख सकते हैं कूल टेस्टिंग में क्या आता है, लाइट सेक्शन के अंदर यहाँ आपको एक कॉयल को चेक करना पड़ता है, कॉयल दोनों तरफ से बजर बजेगा, ओके। या हमें हीटिंग कंडीशन देखनी है यहाँ पे कि हीट हो रही कि नहीं, ये दो कंडीशन यहाँ बन सकती है वोल्टेज आने के बाद, सॉरी वोल्टेज आने के बाद तो कंडीशन नहीं बने क्योंकि वोल्टेज अगर आ रही तो मतलब ये कॉइल ठीक ही होगी, लेकिन हीट हो रही कि नहीं वो आपको ऑन कंडीशन में चेक करना पड़ेगा, बहुत समय ये कॉइल हीट होती है ख़राब हो जाती है। और ये जो कैप यहाँ पे लगे हैं बूस्टर के, मतलब हमारी जो फिल्टर कैप यहाँ पे लगे उनको चेक करना है, और आईसी की रिक्वायरमेंट को चेक करना है। आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इनपुट चेक करना पड़ता है सप्लाई, जो कि हमारा वीपीएच पावर है, वीपीएच पावर आपको पता है आपका 2.9 से लेके 4.2 वोल्टेज तक यहाँ पे आना चाहिए,
और ये हमारी स्विचिंग होता है इस बूस्ट कॉइल के जरिए, जो हमारी बूस्ट को जनरेट करता है। ठीक है, यहाँ बूस्ट वोल्टेज जनरेट होती है 20 वोल्टेज के अराउंड इस जगह पर, और यहाँ इसके बाद ही हमारे यहाँ डायोड लगा हुआ है जो कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो कि हमारे एसी पल्स के अंदर भी और डीसी में दोनों में जनरेट होती है। तो इसको प्योर डीसी बनाने के लिए यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, नहीं तो यहाँ पे फ्लक्चुएशन आ जाएगी। तो डायोड लगा हुआ, डायोड से क्या हमारा फिल्टर होता है आपको पता है, एसी से डीसी करने के लिए हमें डायोड लगाना पड़ता है। तो यहाँ इस सर्किट के या एसी के सर्किट के माध्यम से यहाँ जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है एसी पल्स, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 वोल्टेज जो भी बूस्ट वोल्टेज बनती है, उसके बाद ये हमारा डायोड लगा होता है इसके लाइन पे, ताकि हमारी जो एसी फ्रीक्वेंसी है उसको वो ड्रॉप कर सके और डीसी को प्योर यहाँ दे सके। उसके बाद भी हमारा जो जो कनेक्शन जो होता है प्योर डीसी नहीं हो पाता है, उसके लिए यहाँ फिल्टर लगा होता है। तो फिल्टर कैसे करता है वो हम बेसिक्स में बताते हैं कि फिल्टर किस तरह से करता है और स्टोर किस तरह से करता है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पर स्टोर होता है और यहाँ पर फिल्टर होता है, और ये कॉन्स्टेंट हमें सप्लाई 20 वोल्टेज या फिर 18 वोल्टेज या फिर आपके 30 वोल्टेज तक यहाँ मिलती है। ओके, तो यहाँ कुल टेस्टिंग करना है। अब इतनी चीज़ें आपकी ठीक हैं, वोल्टेज ठीक है, इनपुट आउटपुट ठीक है आपका, यहाँ फिर भी 4 वोल्ट के अलावा हमारी बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही है, बूस्ट वोल्टेज नॉट वर्किंग कंडीशन। 4 पॉइंट कनेक्शन ओके, लाइन ओके, बूस्ट नॉट वर्किंग, बूस्ट नॉट वर्किंग। देखिए है लाइन ने 4 लेकिन रिक्वायरमेंट बहुत है, बूस्ट नॉट वर्किंग। तो यहाँ पे क्या करना है, 7वां पॉइंट, अगर यहाँ पे अगर आ जाते हैं तो बूस्ट नॉट वर्किंग में क्या कर चेक करना, सबसे पहले आईसी को रिमूव करना है। आईसी को रिमूव करने के बाद हमें क्या चेक करना, आईसी के बॉल पे पैड पे इनपुट आउटपुट चेक करना है, वोल्टेज वहाँ तक आनी चाहिए। ठीक है, इनपुट सेक्शन में हम आ आएंगे तो हमारी सप्लाई, उसके बाद हमारा LCD I2C SDA लाइन जो कि हमारा I2C प्रोटोकॉल है जो डेटा क्लॉक वाला, उस लाइनों को चेक करना है। हार्डवेयर EN इसको चेक करना है, ये LCD CABC लाइन, ये चारों लाइन हमारी इस IC के बॉल से पैड से कनेक्टेड होनी चाहिए। IC से कनेक्ट कब होगी, जब पैड से कनेक्टेड होगी, तो उनके GR कूल टेस्टिंग भी हमें चेक करनी है। और ये जो चारों लाइनें हैं, सॉरी तीन लाइन, एक लाइन तो हमारे डिस्प्ले कनेक्टर से आ रही है, और ये हमारी तीन लाइनें जो है ये हमारी डायरेक्ट हमारे CPU से, अगर हम देखेंगे इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे ये लाइन है ITC एक LCD बैकलाइट ड्राइवर। तो यहाँ पे पुल अप रजिस्टर दिया गया, मतलब इन दोनों बोल पे हमें 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, अगर फिर से नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारा आ गया GPIO जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, जो हमारे ग्राफिक्स का जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो ये दोनों हमारी ITC लाइन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिर हमारा ये हमारा फिर लाइट IC की तरफ आ जाएगा। तो ये अगर हमारी ये तीनों लाइनों पे हमारी 1.8 वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, तो ये लिख देता हूँ SCL SDA। तो SCL SDA 1.8 कंपल्सरी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें GR जो चेक करना है वो और भी डिटेल में हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हमें इतना बताता हूँ आपको, SCL SDA पे 1.8 मिलना चाहिए IC निकालने के बाद बॉल के ऊपर ऑन कंडीशन। लाइट तो वैसे जलेगी नहीं, आपकी ग्राफिक्स तो आ जाएगी, लेकिन LCD मतलब सॉरी लाइट IC निकालने के बाद भी ग्राफिक्स हमारा आएगा, क्योंकि ये लाइट IC के लिए जिम्मेदार है। इससे ऑन का हमारा कोई लेना देना नहीं, ऑन होगा फ़ोन हमारा, डिस्प्ले पे ग्राफिक बनेगा, खाली ओनली लाइट नहीं बनेगी। तो हमें डिस्प्ले IC की जो रिक्वायरमेंट है उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वोल्टेज यहाँ पे इसके जो बॉल पैड पे जो यहाँ पे इसमें अगर देखते हैं, यहाँ पे ये जो पैड यहाँ बने हुए हैं, ये जो पैड यहाँ पे बने हुए हैं, तो इन पैड पे हमें SCL SDA लाइन देखो कहाँ पर है, ये शायद ये दोनों लाइन SCL SDA है, तो ये हमारी इन दोनों लाइन पे, ये दोनों यहाँ पे और यहाँ पे हमें 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। ओके, ये दोनों कंपलसरी, तो और EN जो हमारा वहाँ पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा। देखिए ये जो बता रहा हूँ यहाँ पे, इन तीनों लाइन पे 1.8 वोल्टेज मिलेगा कंपलसरी। इन दोनों बॉल पे हमारी जो LED K1 K2 है, यहाँ पे हमें डिस्प्ले लगाने के बाद रीडिंग मिलनी चाहिए, और ये जो फीडबैक हमारी जो बूस्ट वोल्टेज की जो फीडबैक इस IC को मिलती है, OVP लिखा हुआ है, उस पे भी रीडिंग हमारी मिलनी चाहिए। रीडिंग क्यों मिलनी चाहिए इस पे, क्योंकि ये हमारा VPH पावर यहाँ से कनेक्टेड है, VPH पावर कनेक्टेड होने के बाद जो VPH की जो रीडिंग है वो हमारी यहाँ पे मिलनी चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है, इधर
यहाँ मिलनी चाहिए, और इस आईसी का जो मेन जो ग्राउंड है दो पिन, इन दोनों पिन पे भी ग्राउंड मिलना चाहिए। तो इन एक का भी कनेक्शन का भी कट जाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और आपकी बैकलाइट एलईडी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड्स जितनी भी डिटेल्स होते हैं मैंने देने की कोशिश की है, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा। देखिए हम लोग भी डेली सीखते हैं और सीखना पड़ता है, ऐसा कोई भी महान अभी तक ट्रेनर नहीं हुआ जिसको सब कुछ आता है वो एक ही बार में सीख गया हो सके। नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, सीख लेते हैं और सीख के सिखाएंगे। देखिए नई टेक्नोलॉजी हर दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके साथ हमें चलना पड़ेगा। तो जहाँ तक हो सकता है मेरा यही मानना है, आप किसी भी ट्रेनर से ट्रेनिंग करिए, आप किसी से भी, आप आइंस्टाइन से भी सीख लेंगे तो भी आप नहीं सीख पाएंगे अगर आप मेहनत नहीं करते हैं। तो मेहनत बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप कम से कम आपको डेली 1 घंटा आपको रीडिंग करना पड़ेगा, स्कीमेटिक को पढ़ना पड़ेगा, उसके इंटरनल डाटा शीट को पढ़ना पड़ेगा, फंक्शंस को पढ़ना पड़ेगा, उनके प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा, कौन कब आता है, कौन कब जाता है, कौन कैसे प्रोटोकॉल से काम करता है, क्योंकि ये हमारा जो सर्किट है डिजिटल सर्किट है ये अपनी लैंग्वेज में बात करता है, कम्युनिकेट करता है हमारे सिग्नल के थ्रू, तो वो हमें जानना चाहिए। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और मैंने आपको इससे पहले बताया कि जितने भी वीडियो अभी आने वाले हैं मेरे थ्योरेटिकल वीडियो होंगे, तो कोशिश करूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। और अगर आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आपको लगता है कि और कुछ ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन जो नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑलरेडी मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतनी सारी हमारी जो लाइट ग्राफिक की जो रिक्वायरमेंट है इतनी सारी है। ओके तो फिलहाल यहीं पर ख़त्म करता हूँ, थैंक यू।